Assalamu alaikum everyone, welcome to CSS Blogspot. I hope you all are doing fine. So in today's video we are going to talk about our lecture number 2 and chapter number 2. Of course, you know, ne abhi tak first lecture nahi liya hai, they must go and watch that video first, because if you really want to study and apne notes saath saath banana chahte hain, then you must go on in a sequence. Aisa nahi hona chahiye ki bhai samne ye video aa gayi hai to bas yahi dekh lena, aage ka pata ho na piche ka pata ho. So ye hamari, again jinko nahi pata hai, ye ek lecture se चल रही है एंड वी आर गोइंग टू कवर द होल सिलेबस ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी, सो जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. सो एज द नेम इंडिकेट्स, जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ. सो जियोग्राफी क्या होगी? जियोग्राफी जो है वो साइंस है, दैट साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द वेरियस फीचर्स ऑफ अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को स्टडी करते हैं इसमें. सो इट इज़ अ अर्थ साइंस एंड इट इंक्लूड्स जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी. जियोलॉजी जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, फिर इसके ऊपर जो रॉक्स हैं उनको, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्लैनेट अर्थ के ऊपर चेंजेस आए हैं उनकी स्टडीज में होती है. मेट्रोलॉजी में ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करते हैं, और क्लाइमेटोलॉजी में ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अर्थ सर्फेस के ऊपर जो चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करते हैं. यही फ़र्क होता है वेदर और क्लाइमेट में, कि जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वेदर जो है, जैसे कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत दिन से अगर गर्मी थी और आज बारिश हो गई है, तो हम कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है. दैट इज़ वेदर, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंजेस आते हैं. लेकिन अगर जैसे डेजर्ट है, उसका टेम्परेचर रहता ही मतलब वो बहुत हॉट एंड ड्राई है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट है. ठीक है, और ओशियनोग्राफी जो है इसमें डेफिनेटली ओशंस के साथ ही डील करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सी को हम देखते हैं. और हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो जो है वो उसका मतलब वाटर होता है. सो हाइड्रोलॉजी में जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर है, पर्टिकुलरली फ्रेश वाटर, उसकी स्टडीज में शामिल है. अर्थ जो है दैट इज़ अ स्फेरिकल बॉल, और इसका जो 6,378 किलोमीटर रेडियस है, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, तो साइंटिस्ट ने इसके लिए बहुत सारी डेफिनेटली स्टडी की और ऑब्जर्वेशंस किए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और उन्होंने देखा, उन्होंने मोनिटर किया पैटर्न्स को शॉक वेव्स के, जब उनकी ट्रांसमिशन होती है. फॉर एग्जांपल कोई भी सीस्मिक वेव्स या शॉक वेव्स, यानी जो कि वो वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक या फिर किसी भी ह्यूमन मेड ब्लास्ट के नतीजे में, तो वो वेव्स जब ट्रांसमिट होती हैं और वो पास कर रही होती हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स में उनकी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं, जिससे साइंटिस्ट को पता चला कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसमें चेंजेस आती रहती हैं, वेलोसिटी चेंज होती है. तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उन्होंने एक अर्थ का प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन किया. दैट इज़ डिफाइंड इन टू वेज, मैकेनिकल एंड केमिकल. मैकेनिकल में लिथोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर, मीजोस्फेयरिक, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इन सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. और यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे साथ साथ, वो इसलिए मैं वो अभी नहीं ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी, वो हम आगे पढ़ेंगे. अर्थ क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, कि अगर ये अर्थ की बाउंड्री है तो दिस इज़ क्रस्ट, जो आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट बाउंड्री है. ये भी, इसकी थिकनेस जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, 40 to 70 किलोमीटर थिक होती है इन द कॉन्टिनेंट्स एंड 5 to 10 किलोमीटर थिक होती है ओशन बेसिन्स में, यानी कि थिकनेस वेरी करती है. टेम्परेचर जो है डीपेस्ट, जो इसके डीपेस्ट पार्ट्स हैं वहाँ पे 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है. दैट इज़ हाई इनाफ टू मेल्ट रॉक्स. और ये जो है 3 काइंड ऑफ रॉक से बना हुआ होते हैं, इनकी जो कंपोजिशन है दैट इज़ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. इन रॉक्स की डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि अगर ये क्रस्ट है और इसके बाद यहाँ पे है मेंटल, ठीक है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो बाउंड्री होगी दैट इज़ कॉल्ड मोहरोविसिक, हमारे पास डिसकंटिन्यूटी, या उसको सिंपली मोहो भी कहते हैं. सो नेक्स्ट इज़, अच्छा एक और बात यहाँ पे मेंशन की हुई है कि सीज़मिक वेव्स चेंज वेलोसिटी.
ये मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी में. वाई, जो मैंने चीज़ पहले भी बताई है कि जब कोई भी सीज़मिक वेव्स जो हैं, यानी कि जो एज अ रिज़ल्ट ऑफ अर्थ को एक प्रोड्यूस होती हैं, वो किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगी, जैसे क्रस्ट से मेंटल में जा रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा. और उन्हीं चेंजेस को देख के ही ये आइडिया होता है कि अब इसका जो है ये पार्ट या एरिया जो है वो चेंज हो चुका है, अब ये क्रस्ट से मेंटल में पहुँच चुकी है वेव ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन. मेंटल जो है दैट इज 2900 किलोमीटर डीप एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स. जो अर्थ क्रस्ट है दैट इज़ कम्पोज ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स. और इट इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस लेयर्स. लेयर्स जो हैं उनमें अपर मेंटल है, ट्रांजिशन जोन है और लोअर मेंटल है. अपर मेंटल जो है उसमें एस्थीनोस्फेयर एक जोन होता है, और एस्थीनोस्फेयर जो है इसको जोन ऑफ वीकनेस कहा जाता है. ट्रांजिशन फेज जो है, ट्रांजिशन जोन जो है, इसमें ट्रांजिशन फेज का फिनोमेना होता है या फेज ट्रांजिशन का फिनोमेना होता है. इसमें क्या होता है कि मेंटल जो है वो चेंज करता है स्ट्रक्चर को, फॉर्म को और एटॉमिक अरेंजमेंट्स को, इसलिए इसको फेज ट्रांजिशन कहा जाता है. और जो लोअर मेंटल है दैट इज़ डेंसर दैन द अपर मेंटल, वो इसलिए क्योंकि जो लोअर मेंटल है इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना है. आउटर कोर एंड इनर कोर, लास्ट लेयर जो है उसको हम कोर कहते हैं. पहले हमारे पास क्रस्ट देखा हमने, फिर मेंटल, एंड नाउ लास्ट लेयर इज कोर. कोर जो है फिर उसको डिवाइड हो जाता है वो लिक्विड आउटर कोर में एंड सॉलिड इनर कोर में. अब सोचने की बात है कि कोर जो है दैट इज़ लास्ट लेयर एंड डेफिनेटली इट इज़ लाइक यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो यहाँ पे इनर कोर सॉलिड कैसे हो सकता है, ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा. सो यहाँ पे भी प्रेशर का रोल है, जिस तरीके से यहाँ पे लोअर मेंटल में हमने देखा था कि यहाँ भी डेंसर देन अपर मेंटल, ये प्रेशर की वजह से थी. और यहाँ पे सॉलिड इनर कोर जो है ये सॉलिड हाई प्रेशर की वजह से है. इनर आउटर कोर जो है उसकी थिकनेस है 2300 किलोमीटर और सॉलिड इनर कोर की थिकनेस है 1200 किलोमीटर. जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय लिक्विड आउटर कोर, ठीक है. और जो इनर कोर है इट कैन रिमेन सॉलिड एंड वाई वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो देखना है दैट इज़ ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. सो इट वॉज अ कॉन्सेप्ट दैट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1960s. टेक्टोनिक प्लेट्स सबसे पहले है क्या, ये अगर हमारे पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर, अगर ये लिथोस्फेयर है और इसके बिल्कुल नीचे होती है हमारे पास एस्थीनोस्फेयर, ठीक है. तो लिथोस्फेयर जो है ये खुद को डिवाइड कर लेता है, लिथोस्फेयर जो है इट इज़ ब्रोकन इनटू प्लेट्स, ठीक है. ये जो प्लेट्स हैं दे मूव 1 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर, ये मूव करती हैं और मूव करके ये इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, कन्वर्ज करेंगी, डाइवर्ज करेंगी या स्लिप करेंगी. प्लेट्स जो हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दे इंक्लूड 7 मेजर प्लेट्स, 7 इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी ना बड़ी और ना ही छोटी, और तकरीबन 12 जो हैं, ऑलमोस्ट अ डजन स्मॉलर प्लेट्स होती हैं इनके अंदर. सो हाउ डू दे मूव, ये मूव क्यों करती हैं या किस तरीके से मूव करती हैं, तो ये मूव करती हैं कन्वेक्शन के फिनोमेना की वजह से जो कि अर्थ के मेंटल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है. प्लेट बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि दे कन्वर्ज, डाइवर्ज और स्लाइड. ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास होती हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जन बाउंड्रीज, या फिर एक तीसरी चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. जो डाइवर्जन बाउंड्रीज हैं इसमें होती हैं डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. अच्छा, जो होता है डाइवर्ज, डाइवर्ज इज कि अगर ये एक पॉइंट है डाइवर्ज कि ये इस तरीके से एक दूसरे से अवे मूव कर जाती हैं, और कन्वर्जेंट इज कि अगर ये दो पॉइंट्स थे ये अवे थे तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करके कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है.
तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो हैं दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री. डेफिनेटली कोई चीज़ देखे ना, अगर वो अवे मूव कर रही है तो डेफिनेटली दे विल नॉट कोलाइड. कोलाइड कहते हैं टकराना एक दूसरे से, लेकिन अगर दो चीज़ें आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो वो कोलाइड कर रही हैं, ये कोलिजन हुई है. ठीक है, दे डू नॉट कोलाइड. डाइवर्जेंट बाउंड्रीज और ड्यू टू डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारे पास हैं, ओशियंस आर बॉर्न एंड ग्रो वेन प्लेट्स डाइवर्ज. लेकिन जो कन्वर्जन बाउंड्रीज हैं इनमें कोलाइंस होती हैं एंड माउंटेन्स एंड वॉलकैनो एरियाज आर फाउंड वेन प्लेट्स कन्वर्ज. ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो हमने बात की थी कन्वर्जन डाइवर्जन के अलावा कि ये स्लाइड करती हैं. तो जब दो प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. जैसे ये एक प्लेट है, ये दूसरी. अब एक प्लेट जो है वो इधर जा रही है और एक प्लेट वो एक आगे की तरफ मूव कर रही है और ये एक पीछे की तरफ मूव कर रही है. सो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रॉक्स के. तकरीबन हमारे पास 4000 टाइप के मिनरल्स होते हैं. और मिनरल्स जो हैं, अब हम कैसे पता चला सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो मिनरल है या मिनरल नहीं है? मिनरल हमेशा नेचुरली अक्रिंग होंगे, यानी सिंथेटिक नहीं हो सकते, यानी कि वो लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकते कि साइंटिस्ट कोई मिनरल खुद बना ले. नहीं, जो मिनरल्स हैं दे शुड बी नेचुरली अक्रिंग. दे आर सॉलिड, दे आर इनऑर्गेनिक, दे हैव फिक्स्ड केमिकल फार्मूला. क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है दैट विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, वो फिक्स्ड होगी. और इसके अलावा वो ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगे. हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द मिनरल्स. ये 8 एलिमेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे मिनरल्स, मैक्सिम मेजोरिटी ऑफ द मिनरल्स जो हैं उनको उनकी कॉम्पोजिशन में मौजूद होते हैं. दैट इज़ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम. 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ दीज 8 एलिमेंट्स. अगर हम मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि इनका एक स्पेसिफिक कलर होता है. ठीक है, वो कलर क्यों एग्जिबिट करते हैं? वो कलर एग्जिबिट करते हैं जब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो उनसे रिफ्लेक्ट होके जाती है तो वो एक पर्टिकुलर कलर देते हैं. और इसके अलावा स्ट्रीक क्या होती है कि कोई भी मिनरल जो है जब उसको पाउडर की फॉर्म में ग्राइंड कर दिया जाए तो वो पाउडर कौन सा कलर देगा, दैट इज़ इट स्ट्रीक. ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि कोई भी अगर मिनरल ओपेक होगा या फिर मतलब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जा रही, उसके अंदर से गुजर रही है. ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये कोई मिनरल है, होता क्या है कि ये लाइट की वेव आई है टकरा के वापस जाती है, वापस जब जाती है तो फिर उसके बाद हमें वो कलरफुल नज़र आता है. लेकिन अगर उसके अंदर से गुजर जाती है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट है. इसके अलावा लस्टर होता है उनका. लस्टर जो है हम उसको चमक कहते हैं कि जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी लाइट की वो उतनी ज़्यादा लस्ट्रियस होगा वो मिनरल. इसके अलावा इनकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है. कहते हैं कि जो डार्क कलर मिनरल्स हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं और जो लाइट कलर्ड होते हैं मिनरल्स वो लेस डेंस होते हैं. इसके अलावा हार्डनेस होती है इनकी. हार्डनेस क्या है? लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जब कोई स्मूथ सरफेस जो है ऑफ स्पेसिमेन मे बी स्क्रैच्ड, तो वो उसकी हार्डनेस होती है कि वो कितनी एफर्ट उसके लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है. इसके अलावा टेनेसिटी इनकी. टेनेसिटी क्या है? ये वो करेक्टरिस्टिक है जो उनका बिहेवियर डिस्क्राइब करेगा अंडर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन. कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, जैसे कि कोई मेटल होती है अगर फॉर एग्जांपल आयरन, तो लोहा कूटा जाता है उसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है वो क्या करता है, उसकी शीटें बन जाती हैं लोहे की. लेकिन जो मिनरल्स हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैं ये टूट जाते हैं, यानी कि ये सेपरेट, ऐसा नहीं होगा कि ये इसकी शीट्स बन जाएंगी, ये टूट जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे इसके पार्ट्स. इसके अलावा क्रिस्टल हैबिट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि मिनरल के अंदर जो क्रिस्टल्स मौजूद हैं उनकी शेप किस तरह की है, किस टाइप का क्रिस्टल उसके अंदर मौजूद है, जो डिफरेंट मिनरल्स के अंदर डिफरेंट होता है. सो That is it for the today's lecture. आज हम ये पूरा लेक्चर नहीं कवर कर सके बिकॉज़ ये बहुत लेंथी है.
सेकेंड लेक्चर में हम जो है बाकी का इसका रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे इंशाल्लाह. एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.